हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे ये अफ़गानी सलवार और इसका साइज़ स्क्रीन पे है। इसके लिए मैंने लिया है 2 मीटर फैब्रिक। फैब्रिक को मैंने 4 लेयर्स में ले लिया है। विड्थ वाइज 17.5 इंच लिया है और लेंथ वाइज 37 इंच लिया है। एंड देन इस साइड 2.5 इंच पे मार्क करना है एंड देन लेंथ वाइज 13 इंच पे मार्क करना है 2 इंच बेल्ट का माइनस करके एंड देन 2 इंच का कर्व दे देना है और विड्थ वाइज ये 15 इंच बचा है। 1/4 ऑफ वेस्ट साइज 8 इंच हुआ। देन 2 इंच 2 इंच 2 इंच 3 प्लीट्स के लिए एंड देन 1 इंच फॉर स्टिचिंग, सो टोटल 15 इंच। और बॉटम पे 12 इंच पे मार्क करना है और फिर इन पॉइंट्स को मिला देना है एक लाइन से एंड देन कट ऑन मार्किंग। आफ्टर कट ऑन मार्किंग इस साइड से 1 इंच पे मार्क करना है एंड एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्लोप में एंड देन 2 लेयर्स को मार्किंग पे कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट के लिए ये फ्रंट पार्ट होगा और इस साइड से भी कट कर लेना है। और अब यहां स्टिच कर देना है। ये दोनों साइड स्टिच हो चुका है। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। और अब फ्रंट पार्ट को ले लेना है देन 1 इंच पे यहां मार्क करना है एंड देन 6 इंच पे मार्क करना है। पॉकेट के लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। लेंथ वाइज है 10 इंच और विड्थ वाइज है 6.5 इंच और ये डबल लेयर में है। सो इस फैब्रिक को यहां रख के ऐसे एंड देन जो मार्किंग की थी उस पर स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग ये जो एंड्स थे इन्हें कट कर देना है। और यहां भी स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग जो पॉकेट का अनदर पार्ट था उसे ले लेना है एंड देन यहां स्टिच कर देना है। यहां स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग पॉकेट रेडी है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अटैच कर देंगे साइड्स से। ऐसे इनकी साइड्स ज्वाइन करके इन्हें स्टिच कर देना है। स्टिच हेयर इस साइड भी स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग साइड्स और अब बेल्ट के लिए फैब्रिक कट कर लिया है मैंने। लेंथ वाइज है 5 इंच और विड्थ वाइज है 45 इंच। 16 इंच फ्रंट के लिए, 28 इंच बैक के लिए और 1 इंच स्टिचिंग के लिए। फ्रंट में इलास्टिक नहीं लगेगा इसलिए हाफ ऑफ वेस्ट साइज 16 इंच हुआ और बैक पार्ट में 28 इंच है क्योंकि बैक पार्ट में इलास्टिक लगेगा। यहाँ स्टिच कर देना है। स्टिचिंग के बाद में बेल्ट को ऐसे सीधा कर लेना है और अब फ्रंट पार्ट के मिड से 2 इंच पे मार्क करना है एंड देन फिर से 2 इंच पे मार्क करना है। देन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक प्लीट बना लेनी है और इसे ऑल पिन से फिर सिक्योर कर लेना है। देन फिर इस प्लीट से 2 इंच पे मार्क करना है और फिर से 2 इंच पे मार्क करना है। देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक और प्लीट बना लेनी है। फिर इस प्लीट से 2 इंच पे मार्क करना है और फिर से 2 इंच पे मार्क करना है और एक और प्लीट बना लेनी है।
और इसी तरह दूसरी साइड में भी प्लीट्स डाल लेनी है। ये दोनों साइड प्लीट्स पिनअप हो चुकी है देखिए। एंड देन अब इस बेल्ट को फोल्ड करके और ऐसे स्टिच कर देना है, ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इस बेल्ट को ऑल ओवर द वेस्ट स्टिच कर देना है। बेल्ट स्टिच हो चुका है ये देखिए, और यहाँ एक होल रखना है बेल्ट में इलास्टिक के लिए। और ये फ्रंट पार्ट मेज़र करने पे आया 16 इंच, जो कि हमारा हाफ ऑफ वेस्ट साइज़ है। और बैक पार्ट के लिए इलास्टिक ले लिया है मैंने 1 इंच विड्थ वाला, लेंथ वाइज 14.5 इंच। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे इंसर्ट कर दीजिए बेल्ट में। फ्रंट पार्ट से डालते हुए हम इंसर्ट करेंगे इलास्टिक को, एंड देन बैक पार्ट की तरफ ले जाइए। एंड जो ये एंड यहाँ इलास्टिक का आ गया है, अब इसे स्टिच कर देना है। देन इस एंड को भी यहाँ से निकाल के स्टिच कर देना है। इलास्टिक के एंड स्टिच हो गए हैं देखिए, और अब यहाँ स्टिचिंग कर देना है बेल्ट पे। बेल्ट पे स्टिचिंग हो चुकी है। बॉटम पार्ट के लिए 1.5 इंच विड्थ की स्ट्रिप कट कर लेनी है, एंड देन उसे बॉटम पार्ट पे स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग अब इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर देना है। इस साइड भी स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है, और इसे भी फोल्ड करके अंदर की तरफ स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग अब इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। 0.5 इंच वाला इलास्टिक ले लिया है मैंने, लेंथ वाइज 11 इंच लिया है। एंड देन सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे इंसर्ट कर देना है इसमें। एंड देन इलास्टिक के एंड स्टिच कर देने हैं। इलास्टिक के एंड स्टिच हो चुके हैं, और अब यहाँ स्टिच कर देना है। और इसका फाइनल लुक, इसके साथ मैंने वन पीस टाइप की फ्रॉक भी वियर करके देखी है, बहुत अच्छी लग रही है। और इसके साथ कुर्ती भी पहन सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।